हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, हमने रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक शुरू किया हुआ है और इसी को लेकर हमने आज मॉक टेस्ट बनाया है। जैसे आपको पता है कि हमने सुबह रिसर्च के बारे में बताया था कि रिसर्च क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या है, रिसर्च के टाइप और मेथड के बारे में भी हमने बताया था। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं टाइप में से और रिसर्च क्या है उसमें से, तो उसी का हमने मॉक टेस्ट बनाया है। इसमें 7 क्वेश्चन हमने डिसाइड किए हैं और इन 7 में से अगर किसी के 5 क्वेश्चन भी राइट हो जाते तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे मॉक टेस्ट की। और इसमें दोस्तों इंग्लिश हिंदी दोनों हमने दिया है। धीरे धीरे जैसे हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो आप सभी को पता चल जाएगा। और मॉक टेस्ट करने में आप दोस्तों वीडियो को रोक भी सकते हैं अच्छे से सोचने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अनुसंधान शब्द का अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। देखिए, हमने अनुसंधान के बारे में पढ़ा था, रिसर्च के बारे में, कि अनुसंधान क्या होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है हमें अब देखना। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। इसके अंदर अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से है। नंबर 2 पे आता है दोस्तों, यह एक व्यवस्थित तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है। और इसके अंदर आगे है कि सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है। और आगे दोस्तों सी में यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है। और डी आता है दोस्तों, इसमें ज्ञान में वृद्धि होती है। तो आप ये जो ऑप्शन है सारे के सारे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को रोक सकते हैं, रोक के अच्छे से देख सकते हैं, सोचना है तो सोच भी सकते हैं। और इसमें हमें मल्टीपल क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने हैं दोस्तों, जैसे कि ए सही है, बी सही है या डी सही है, तो वो हमें मल्टीपल जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने हैं। तो आप बताइए कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है। और वही बात है कि आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे अगर मैं वीडियो रोकूंगा तो काफ़ी लंबी खींच जाएगी। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर क्या है और आपको इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाएं। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि इसके सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बी सी डी सारे के सारे। और अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो आप यहाँ से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी हमने दिया हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसके ए बी सी डी चारों के चारों ऑप्शन हैं वो ठीक कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए के ऊपर। देखिए, हमने इसमें बात जो रिसर्च की बात आती है तो इसमें सबसे पहला सवाल यही आता है कि हम कोई भी समस्या होती है उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही है। और आगे दोस्तों आता है कि इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च होती है वो व्यवस्थित तरीके से होती है, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से हम करते हैं, और वो निष्पक्ष होती है, यानी कि इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। और आगे दोस्तों जैसे कि इसमें सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जाती है, जैसे मैंने बताया था कि इसमें जो थ्योरी है वो जनरेट की जाती है, थ्योरी बनाई जाती है। और उसके बाद यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोजे, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ट्रूथ फाइंड आउट करते हैं कि सच क्या है वो देखते हैं। और आगे आता है दोस्तों, इसमें ज्ञान में वृद्धि होती है, ये चीज़ भी हमने सुबह पढ़ी थी कि जो हम खोज करते हैं उसमें हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। तो वही चीज़ है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखना होता है, यही हमारे आगे क्वेश्चन में आती है। और अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये जो PDF है दोस्तों आपको मैं दे दूंगा, जो हमारे पेड में मेरा उनको ग्रुप में मिल जाएगी। और किसी ने अगर हमारा अभी तक पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सभी PDF आपको दी जाएगी और अच्छे से स्टडी करवाई जाएगी। और अब हम देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर क्या है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जया प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। ठीक है, अब हमें ये देखना कि जो इन्होंने जया प्याजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था वो इनमें से किसको लेकर दिया था। ठीक है, ये हमें देखना है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आप जैसे सबसे पहला है फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा है अप्लाइड रिसर्च, क्रियात्मक यानी कि एक्शन रिसर्च, इवेल्युएशन रिसर्च। तो आप इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है और आप वीडियो भी रोक सकते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ।
देखिए इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा, सबसे पहला आएगा फंडामेंटल रिसर्च। अब देखिए दोस्तों इसे हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से ये फंडामेंटल रिसर्च आया, और फंडामेंटल रिसर्च को जैसे मौलिक अनुसंधान या बेसिक अनुसंधान भी कहते हैं। अब देखिए बेसिक अनुसंधान में हमारा क्या था, बेसिक अनुसंधान जो होती है सबसे पहली जो रिसर्च होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्या करते हैं हम उसके अंदर थ्योरी जनरेट करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे दिया कि जया पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, यानी कि उन्होंने क्या दिया, सिद्धांत दिया। और सिद्धांत हम किसके अंदर देते हैं दोस्तों, सिद्धांत हम अप्लाइड में देते हैं या फंडामेंटल में देते हैं या एक्शन में देते हैं, किस में हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो ये बात मैंने बताई थी कि जो हमारी बेसिक रिसर्च होती है, मौलिक रिसर्च जो होती है फंडामेंटल, उसके अंदर सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा मौलिक अनुसंधान। और अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर है कि क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है, यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब है एक्शन रिसर्च है उसके क्या क्या स्टेप होते हैं वो हमें पता करने हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों हमारा, तो आप बताइए इसमें क्या हो सकता है, आप देखिए कि इसके अंदर क्या क्या होगा। विमर्श आएगा पहले, प्रेक्षण योजना आएगा, निर्माण क्रियान्वयन क्या आएगा, आप इसे वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, और अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2, प्लान एक्ट ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट आएगा, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, फिर उस योजना का अच्छे से निर्माण करते हैं, फिर क्रियान्वयन, यानी कि अब देखिए इंग्लिश में हम इसे समझ लेते हैं, सबसे पहले हम प्लान बनाते किसी चीज़ का, फिर उस प्लान के ऊपर एक्ट करते, कार्रवाई करते, फिर उस जो हमने किया उसको ऑब्जर्व करते, और फिर उसका प्रेक्षण यानी कि रिफ्लेक्ट यानी कि विचार विमर्श करते हैं कि हमारा जो हमने काम किया उसका क्या रिजल्ट निकला है, यानी कि उसका विमर्श करते हैं पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि इसका आंसर आएगा प्लान एक्ट ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट आंसर आएगा इसका। और अब हम अगर इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ कि कार्योत्तर शोध का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है दोस्तों, ठीक है। हमें हिंदी और इंग्लिश में नाम पता होना ज़रूरी है। तो अब बताइए एक्स पोस्ट फैक्टो में इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, यह घटना के बाद किया गया शोध है, घटना के पूर्व किया गया शोध है, घटना घटने के साथ साथ शोध किया जाता है, या घटना की संभावना को ध्यान में रखते हुए शोध किया जाता है। दोस्तों कार्योत्तर शोध और एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में मैंने सुबह बताया था, तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। मेरे को उम्मीद है कि इसमें से तो सभी लोग आंसर दे देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, घटना के बाद किया गया शोध। और अगर इसे आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए, द रिसर्च इज़ कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। अब देखिए इसका इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे सुनामी आ गई, ठीक है, सुनामी आने के बाद क्या 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 बदलाव हुए सिटी के अंदर, और यानी कि कोई घटना घट गई, घटने के बाद जो शोध किया जाता है उसे हम कहते हैं कार्योत्तर शोध कहते हैं दोस्तों। तो अब हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया जाता है। अब वही बात आती है, सबसे पहले हमें मौलिक शोध पता होना चाहिए कि मौलिक शोध क्या है। मौलिक शोध का मतलब होता है दोस्तों हमारी जो बेसिक रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसके बारे में मैंने सुबह भी बताया था कि फंडामेंटल रिसर्च और एक दूसरी रिसर्च थी उनमें क्या रिलेशन है, तो आप थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश कीजिए कि ये किससे रिलेटेड है और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यानी कि ये कह रहा है कि फंडामेंटल रिसर्च का यूज़ हम किसके अंदर करते हैं। अब ये देखिए क्रियापरक शोध यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो, और उसके बाद है अप्लाइड रिसर्च, फिर है फिलोसफिकल रिसर्च, और फिर है ऐतिहासिक रिसर्च। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या आंसर आएगा।
और ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये कि आसान आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। आप चाहे तो वीडियो रोक सकते हैं। चलिए मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा अप्लाइड रिसर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रयुक्त शोध, अप्लाइड रिसर्च। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सुबह कि पहले हम थ्योरी का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले थ्योरी बनती है और फिर उस थ्योरी को कहीं पे अप्लाई किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, शायद अब आपको याद आ गया होगा। और इसे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और आगे देखते दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूद स्थिति में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब देखिए इसमें हमें यह पता करना है कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें सुधार, उसके सुधार में ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये बताइए दोस्तों। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थिति में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये बताइए दोस्तों। अब एक चीज़ और दोस्तों इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसके ऑप्शन पे जाइए आप। अब देखिए हमारी जो बेसिक रिसर्च है यानी कि फंडामेंटल रिसर्च, उसमें क्या होता है सोचिए, और फिर अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है वो सोचिए, फिर हमारी एक्शन रिसर्च होगी, एक्शन रिसर्च में क्या होता है वो सोचिए, और फिर होगी हमारी एक्सपेरिमेंटल शोध होगी, उसमें क्या होता है। तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि एक्शन रिसर्च। आप चाहे तो इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और हम ये देखते हैं दोस्तों इसका एक्शन रिसर्च कैसे आया है। ये देखिए इसमें कहा है कि मौजूदा स्थिति में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब देखिए दोस्तों एक्शन रिसर्च इसका क्यों आया है। अब एक्शन रिसर्च में हमने आज दिन में बात पढ़ी थी सुबह कि एक इसमें तत्काल कोई समस्या है उसका समाधान करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो मौजूदा स्थिति में जो सुधार करने के लिए रिसर्च यूज की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्शन रिसर्च। और अगर आपको अभी भी कंफ्यूज है तो आप एक बार हमारी जो वीडियो है सुबह वाली वो देखना दोस्तों, उससे आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर एक्शन रिसर्च क्यों आया है। क्योंकि एक्शन रिसर्च में क्या होता है दोस्तों, हम तत्काल यानी कि जल्द से जल्द उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इसका एक्शन रिसर्च आएगा। और अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि शोध का मुख्य ध्येय क्या है, यानी कि जो हमारी रिसर्च है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहला है कि साहित्य की समीक्षा करना, दूसरा है पहले से ज्ञात का सारांश करना, यानी कि हमें कोई चीज़ पता है उसको एक्सप्लेन करना होता है, या फिर अकादमिक उपाधि यानी कि डिग्री हासिल करना हमारा उद्देश्य, या फिर नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। अब बताइए दोस्तों इन चारों में से आपका कौन सा आंसर आना चाहिए। अब इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लग रहा है भाई ये भी आंसर आएगा, इसका ये भी आएगा, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो चीज़ है दोस्तों, वो हमें डिसाइड करने की सबसे ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ क्या है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर, नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। अब देखिए दोस्तों वही बात मैं बता रहा था आपको कि इसमें कई ऑप्शन ऐसे लग सकते हैं, भाई ये भी सही है ये भी सही है। अब देखिए साहित्य की समीक्षा करना, ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हम शोध के अंदर लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि पहले क्या क्या काम हो चुका है हमारी जो प्रॉब्लम है उस पर, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा एक्यूरेट जो ऑप्शन है हमारा ये है, इसके अंदर हम नए तथ्यों की खोज करते हैं दोस्तों, यानी कि नई नई चीज़ें निकाल के लेके आते हैं और ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करते हैं, यानी कि जो चीज़ हमें पता है उसको हम अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या बदलाव हो सकता है। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, और आप सभी दोस्त ज़रूर ज़रूर बताना कि किस दोस्त के कितने ऑप्शन यानी कि कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, और जिस दोस्त के 7 में से 5 क्वेश्चन ठीक हुए हैं वो बहुत अच्छा है, और जिसके 7 के 7 ठीक हुए हैं उसको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।